नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं तमाम क्षेत्रों की विशेष खबरें, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पूर्व मंत्री आर के चौधरी के नेतृत्व में बुधवार को पलिया गांव पहुंचा। पुलिस द्वारा 29 जून की रात में किए गए तोड़फोड़, महिलाओं के साथ अभद्रता, लूटपाट को देखा और इनकी निंदा की। आर के चौधरी ने कहा कि जिस तरह का कृत्य पुलिस द्वारा अनुसूचित समाज के साथ किया गया है वह प्रदेश में कहीं अन्य अब तक नहीं देखने को मिला है। प्रदेश की सरकार द्वारा अब तक दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार के लोग जानबूझकर गरीबों को न्याय देने से बच रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अन्याय के खिलाफ अब चुप नहीं बैठेगी। दलित पिछड़े शोषित समाज की लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। पलिया की घटना विधानसभा में पहले ही दिन उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में वर्तमान सरकार लोगों की आवाज़ डंडे के बल पर दबा रही है। हमने इस गाँव में हुए पुलिसी अत्याचार को देखा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश को इस पूरी घटना की जानकारी दी जाएगी और जैसा उनका निर्देश मिलेगा समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ दलित समाज के साथ खड़ी रहेगी। प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जो जितना बड़ा नुकसान हुआ है, मैं समझता हूं कि इस तरह का हादसा नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत जिस तरह से प्रशासन और पुलिस ने मिल करके घरों को ढहा है, गिराया है, लूटा है, बर्बाद किया है, तोड़ा है, इस तरह का पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ होगा। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और जितना नुकसान हुआ सबका मुआवजा हो और निश्चित तौर पर जो औरतों को अपमानित किया गया, लड़कियों को अपमानित किया गया, उनके साथ बसलूकी की गई, उसका भी सरकार कहीं कहीं भरपाई करने का काम करे, ये हमारी मांग है। योगी सरकार से, मोदी सरकार से अगर नहीं करेंगे तो आगे आने वाले सत्र में हमारे विधायकगण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर वो विधानसभा में भी उठाएंगे और समाजवादी पार्टी सड़क पे आकर के इस मांग को रखेगी और सरकार को मजबूर करेगी कि उनको राहत दिलाने का काम हो, न्याय दिलाने का काम किया जाएगा, ये समाजवादी पार्टी करेगी। ठीक है सर, ठीक है। और पुलिसी अत्याचार इतना हुआ कि आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, इस पे कहां चल रहा है भाई, महिला पीछे करा तुम पुलिस उत्पीड़न की जो घटना यहाँ दिखाई दे रही है, इतनी बड़ी घटना देश के किसी कोने में होती नहीं। हमें लगता है कि सैकड़ों संख्या में या डेढ़ संख्या में पुलिस वाले आए थे। जिस तरह साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बिल्डिंगें तोड़ा है, लेकिन जो यहाँ के निवासों बिल्डिंग थे उसको तोड़ दिया, जो सरकारी है नहीं तोड़ा। अब पुलिस कितना भी बचने की कोशिश करें, शुरुआती दौर में 29 तारीख जो घटना घटी है, लेकिन बाद में जो पुलिस ने उत्पीड़न किया है, उत्पीड़न बहुत ज़्यादा जगह होता है, लेकिन पुलिस ने लूट किया है, डकैती किया है, अपराधी है। जो अपराध पुलिस कर रही है इसका क्या मजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। और हमें लगता है कि FIR होनी चाहिए, क्योंकि जिसका नुकसान हुआ है, जो मारे गए हैं, पीटे गए हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी ओर से तहरीर दी गई है। पुलिस टाल मटोल के FIR कर रही नहीं कर रही मैं जानता नहीं, पता लगा लूँगा, लेकिन चिन्हित करके जो पुलिसकर्मी, जो अधिकारी, वो चाहे CO हो, चाहे SO हो, कई थाने के SO आए थे, गिराए हैं मकान, मारे हैं, पीटे हैं, अपमानित किए हैं, महिलाओं को बेइज्जत किए हैं, लड़कियों को, लड़कों को अपमानित किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खाली मुअत्तल नहीं, कार्रवाई तो ऐसी होनी चाहिए कि सबके सब पुलिस अधिकारी बर्खास्त। सर, 29 तारीख से अब तक सभी लोग आए, आश्वासन ही केवल पीड़ित परिवार को मिल रहा, अभी तक उन्हें कोई न्याय नहीं मिला। सिर्फ एक SO रौनापार को ही निलंबित किया गया है, जबकि पूरे परिवार की मांग है कि जितने थाने की फोर्स थी उनको निलंबित किया जाए, उनके मकान जो तोड़े गए हैं, जो महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, जो लूटपाट हुई है, गहना गुड़िया, उसका आपका क्या कहना है? निश्चित तौर पे हाई लेवल पे पुलिस ने जो एक्शन के लिए निर्देश दिया है वो कम है, नाकाफी है और खानापूरी है। हमारी कोशिश होगी कि डिटेल जाके माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे हम समाजवादी पार्टी कोर्ट से आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाके बताएंगे और फिर DGP से बात करके होम सेक्रेटरी से बात करके कोशिश करेंगे कि दूध की दूध पानी पानी हो और हर हालत में पुलिसकर्मी जो इन्वॉल्व हैं वो खाली मुअत्तल नहीं बल्कि बर्खास्त। सर, परिवार का कहना है कि मजिस्ट्रेशियल जांच से खुश नहीं है और ऊपर स्तर की जांच कराई जाए। CBI जांच की मांग सही कर रहे हैं जी, परिवार ने मांग कर रहे हैं, हमने भी कहा था कि CBI जांच कराई जाए, कोशिश करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे कि CBI जांच हो जाए जी। ठीक।
हम लोग मांग कर रहे हैं विधानसभा के अगले सत्र का ये बड़ा मुद्दा बनेगा समाजवादी पार्टी।